नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये 10 क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन सी वरिंद्र कुमार घोष, ऑप्शन डी पुलिन बिहारी दास। 10 सेकेंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में और उत्तर कमेंट भी कर सकते हैं, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। इसकी शुरुआत 1899 में नासिक में मित्र मेला के रूप में हुई थी। 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया। ओके, आप एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। इनमें से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है था? ठीक है, हसरत मोहनी, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफार खान, ऑप्शन डी इकबाल खान। 10 सेकेंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर और कमेंट करिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन सी खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में 6 फरवरी 1890 को हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय होकर हिस्सा लिया। वर्ष 1987 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे महात्मा गांधी के अनुयायी थे। ठीक है, आप वीडियो रोक के दोबारा एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? ऑप्शन ए महिला शिक्षा, ऑप्शन बी विधवा पुनर्विवाह, ऑप्शन सी सती प्रथा की समाप्ति, ऑप्शन डी छुआछूत। 10 सेकेंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी विधवा पुनर्विवाह। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी में 26 सितंबर 1820 को हुआ था। इनके प्रयासों के फलस्वरूप विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 पारित किया गया, जिससे विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। ओके, अगला क्वेश्चन। 6 जुलाई 1905 को बंगाल के बंटवारे की खबर
सबसे पहले किस समाचार पत्र में छापी, किस समाचार पत्र ने छापी। ओके, चलिए ऑप्शन ए स्वराज, ऑप्शन बी संजीवनी, ऑप्शन सी कालांतर, ऑप्शन डी आनंद बाजार पत्रिका। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सही उत्तर सोचिए और कमेंट भी कर सकते हैं, फिर देखेंगे सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी संजीवनी। संजीवनी समाचार पत्र की स्थापना के मिश्रा ने की थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रकाशित की जाती थी। ठीक है, ऑप्शन ए इंडिया हाउस, ऑप्शन बी गदर पार्टी, ऑप्शन सी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन डी बर्लिन समिति। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए इंडिया हाउस, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका इंडिया हाउस नामक संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती थी। अगला क्वेश्चन। 1934 में जयप्रकाश नारायण ने किस स्थान पर ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट सम्मेलन का आयोजन किया था। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी कलकत्ता। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए और कमेंट करिए सही उत्तर, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए लखनऊ। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ। 1934 में उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की, वे गांधीवादी सोशलिस्ट थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में केवल एक वास्तविक अतिवादी गरम दल के नेता थे और वे तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में यह कथन किसने कहा। ठीक है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी एडविन मोंटेगू, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी एडविन मोंटेगू। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 13 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का दो भागों गरम दल व नरम दल में विभाजन होने के बाद बाल गंगाधर तिलक ने गरम दल का नेतृत्व किया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी कराची। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सही उत्तर सोचिए और कमेंट करिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है।
चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कलकत्ता। ब्योमेश चंद बनर्जी को 1885 के बॉम्बे अधिवेशन में कांग्रेस का पहला अध्यक्ष चुना गया। ब्योमेश चंद बनर्जी को 1892 में कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन में पुनः दूसरी बार अध्यक्ष चुना गया। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। वे 1886 में कांग्रेस का कलकत्ता सम्मेलन में अध्यक्ष बने। ओके, आप एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़ लीजिए वीडियो रोक के। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन, एल नीनो वर्ष के कारण भारत में छप्पनिया काल कब पड़ा? छोड़ी सॉरी सब छप्पनिया काल है वो कल नहीं है। ऑप्शन ए 1896 व 1897। ऑप्शन बी 1896 व 1899। ऑप्शन सी 1900 व 1902। ऑप्शन डी 1895 व 1897। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर ऑप्शन बी 1896 व 1899। यह अकाल मध्य व पश्चिम भारत में मानसून असफल होने के कारण पड़ा। एल नीनो एक गर्म जलधारा है जिसके कारण कई बार मानसून के समय भारत में सूखा पड़ता है। आप एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी असफलता के बाद स्वराज पार्टी का निर्माण किया गया? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए और कमेंट करिए सही उत्तर, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में की गई थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इस पार्टी के मुख्य नेता थे। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण स्वराज पार्टी अस्तित्व में आई। आप एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़ लीजिए। चलिए पूरे करते हैं इस वीडियो के 10 क्वेश्चन। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।